इधर हमें बताते हैं हम खाना चाहते हैं, लेकिन शाम को ही इनकम टैक्स का टेलीफोन आ रहा है, सीबीआई का टेलीफोन आ रहा है। ठीक तरह से चल रहे हो क्या? आपने इंडस्ट्री बंद करनी है या बिजली बड़ी करानी है, पानी बड़ी कराना है? ये डिक्टेटर है, डिक्टेटर सुहाना करना है। ये आज हिंदुस्तान की आजादी दूसरी लड़ाई है, तीसरी लड़ाई है। सफर के बगैर में हुई थी 1857 में, दूसरी गांधी के नेतृत्व में हुई थी आजाद की अध्यक्षता में और नेहरू की लीडरशिप में 1942 में, और यह आखिरी लड़ाई चौथी लड़ाई है कि डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए आप इस देश के लोकतंत्र को बहाल करेंगे। समाजवाद आना है, जो सरकार गरीबों की होगी, किसानों की होगी, महिलाओं की होगी, मजदूरों की होगी। या हमारी माए बहने दो बेटियां बैठी है, हमने कहा है कांग्रेस की सरकार आएगी तो 45वीं सदी अगले इलेक्शन में मिलने 33वीं सदी होगी, और अगले इलेक्शन में लोकसभा की 33वीं सदी। हमने झूठ वादा नहीं किया, हमने पहले 50वीं सदी पहला कंजर्वेशन दी है। ये लड़की यहाँ बैठी है, दो बड़ी खुश हो रही है हमारी बार याद कर, चाहे नजर हमारे प्रचार के लिए आना पड़े, कोई बुरी बात नहीं है। और इसी तरह से किसानों के लिए हमने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम पैसा माफ करेंगे और जितनी लागत की चीजें हैं वो सस्ती करेंगे। हमने नौजवानों के साथ कहा 34 लाख नौकरियां अभी खाली है, उन सबको हम भरेंगे। हमने कहा कि हर पंचायत में, हर नगर पालिका में हम एक एक लड़के को केंद्रीय सरकार से नौकरी देंगे और वो नौकरी निकलेगा और गांव के लोगों को और पंचायत के लोगों को समझाएगा केंद्रीय सरकार की तरफ से कितनी स्कीमें आती है, उनका किस तरह से फायदा उठा रहा। हमने एक और बहुत बड़ा वादा किया और वो वादा है हिंदुस्तान के 25 करोड़ के साथ। हमने अर्थशास्त्र बिठाए मनमोहन सिंह जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्र है जिसने जीने की बात आसमान को छू लिया। उनके नेतृत्व में कुछ अर्थशास्त्र बैठे थे और हमारे बात या ड्राइवर या कृषक, लेकिन दूसरे देश में भी गरीब है जिनकी आमदनी महीने गए हैं 2000, 3000, 4000, 5000 से कम है, उनको हर महीने उनके खाते में मरकजी खजाने से 6000 रुपए जाएंगे, 7000 रुपए जाएंगे। और मेरी पहले यहां बैठने के लिए खुशी की बात है, वो पति के खाते में नहीं जाएगा, पत्नी के खाते में नहीं जाएगा, पत्नी के खाते में इसलिए जाएगा। हमारे पत्थर भाई लोग कोई गर्म ठंडा पानी भी पीते हैं, कोई रंग वाला वो क्या कहते हैं उसको शरबत भी पीते हैं, तो वो शरबत पे नहीं उड़ाए और बीवी और बच्चे मर जाए। इसलिए बैंकों से निकाल गए और हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं और बैंकों से 20,000, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ लेके वो अमेरिका प्रधानमंत्री से मिलते जाते हैं, वो यहां से साका मार के चले जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री को गुस्सा आता है, मुझको क्यों बोलते हो, मैं आगे भी बोलूंगा क्या बोलते हो, और इसलिए बोलते हैं कि आपके लोग तो चले गए, आप आपका पहरा करने में असफल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी 70 साल में जहां इसका कोई कागज चोरी नहीं हुआ, जब चौकीदार प्राइवेस नहीं होता था तब डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर के दफ्तर में और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में सिर्फ दीवार है बीच में, तो आज 70 साल में कोई भी चोरी नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप
चौकीदार भी हैं जो अपने आप को कहते हैं, लेकिन आपके और रक्षा मंत्रालय के बीच में दीवार है। आपने ही सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया जो हमारी जो लड़ाकू जहाज है उसके कागज चोरी हो गए। अगर आपके कमरे के उस साइड चोरी से हुई तो आप कैसे चौकीदार हो? मैं आगे नहीं बताऊंगा आप कैसी चौकीदार हो। आप रक्षा के कागजों से पक्का नहीं कर रहे हो। आज आप कहते हो कि रक्षा पे वोट दे दो, देश को बचाने के लिए वोट दे दो। आप रक्षा के पेपर अपने दूसरे कमरे में आप मेरे कश्मीर के क्या बॉर्डर पे रक्षा कर सकते हो? आप आसाम की क्या बॉर्डर पे रक्षा कर सकते हो? आप नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की रक्षा नहीं कर सकते हो? आप अपने भाषा वाले कमरे की रक्षा नहीं कर पाते हो? आप रक्षा मंत्रालय की रक्षा नहीं कर पाते हो? प्रधानमंत्री जी आपके पले सिर्फ भाषा के बगैर कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट यादव जी।